नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोंडिक, जयगांव मिरर न्यूज़ से। अभी हम आए हैं गरगंडा टी गार्डन के चाय बागान में। मैं अभी गरगंडा 4 नंबर सेक्शन के समीप मेन जो रास्ता है रामझोड़ा बाजार हिंदी हाई स्कूल जाने वाला, इस लाइन प्राइमरी स्कूल टू रामझोड़ा बाजार हिंदी हाई स्कूल तक जाने वाला मेन रास्ता में अभी हमें, और यहाँ से महज थोड़ी सी दूरी पर 20 फुट की दूरी पर रात में शाम को 4 बजे लेपट ने गाय पर हमला करके गाय को मार दिया। और ये मेन रास्ता है, यहाँ से सभी बच्चे स्कूल आया जाया करते हैं। फैक्ट्री से काम करके रात में शाम को चाय बागान के आदमी आना जाना करते हैं, मगर मेन रास्ता में इस प्रकार का घटना होने से लोगों में आतंक का छाया मंडराया हुआ है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द अगर इस प्रकार प्रशासन कोई कदम नहीं उठाया तो एक अभी तो गाय ही केवल मरा है, अगर इस प्रकार का ढीला ढीली रवैया रहने से कल में यहाँ पर आदमी का भी हमला हो सकता है, आदमी का भी। और गरगंडा में 2-3 बार ऐसा घटना घट चुका है। ये देखिए दोस्तों, मज रोड से 20 फुट की दूरी पर गाय को किस प्रकार से लेपर द्वारा हमला किया गया, और ये देखिए दर्दनाक रूप से गाय का मौत हो चुका है। कितना बजे कर घटना है? 4 बजे कर घटना है। तो रोरे जानकारी का नियर पाला? मैं तो बिहाने 4 बजे में खोल के तब हिने शेर के घर जात रहे, से घरी उसन माई रहे शेर के। हाँ, घर जात रहे। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर आदमी मन आहन का कहत हैं जे? वो मन तो कहते हैं कि पैसा मिली 3-4 महीना में भी ढुकी मकिन ढुकी कहते हैं। मगर यहाँ तो एगो गाय के अटैक कर है, रास्ता में आदमी चलाचल करे ना। हाँ। स्कूल छुआ मन जाए ना, स्कूल छुआ मन आवे जाए नी रास्ता में कि छुए मन के कोनो कर देवी, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। एखन गाय के ऊपर अटैक कर है, कल छुआ मन के ऊपर अटैक करी, बड़ा आदमी के ऊपर अटैक करी। अरे है सामने सामने रहला, दूर में तो रहबे नहीं घरेला, सामने सामने रहला। रहु नाम? सरस्वती नाइक। सरस्वती नाइक। हाँ। घर? पूर्व लेन गरगंडा। हाँ, गरगंडा पूर्व लेन। धन्यवाद। नमस्कार। बोलो बोलो बड़ा बोलो। जयगांव मिरर न्यूज में स्वागत है। सुनील कुमार सोंडिक गरगंडा टी गार्डन बड़ा। यहाँ एउटा गाय लेपटले हमला गरेर गाय को एक्सिडेन्ट भएको छ, र यो विषयमा हामी जानकारी लिन चाहन्छ हाम्रो बिट बाबु रेन्जर सरसी। गरगंडामा हामी यहाँ खबर पाएर आएको छौँ लङ्कापा रेन्जबाट। त स्पोर्टमा त गाय मरेको रहेछ, उसको खाएको पनि छ, र क्षतिपूर्णको लागि सबै यहाँ कागजपत्रमा हामीले ठिक पारेको छौँ। त अब फेरि यहाँबाट एकजनाको 4 वर्ष भयो अरे, उसको क्षतिपूर्ण पनि पाएको छैन, र अहिले बडाबाउलाई बोलाउनु हुँदैछन्, यो अहिले हामीलाई कुर्नु पनि दिएको छैन, र अब बडाबाउ आउँछन् कि आउँदैन यो बडाबाउको कुरो हो। सर, यहाँ गायले लेपटले हमला गरे, गायले मार्यो, तर यो त सर बाटो हिँड्ने बाटो हो, यहाँदेखि नानीहरू स्कुलहरू जान्छ, यो मेन बाटो हो। भोलिको दिनमा अगर यो बाटोमा कसै मान्छेले एटेक गरे भने यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यसको लागि त डिपार्टमेन्टबाट अब त्यो एउटा खाँचा राख्नुपर्ने छ यसमा। अगर यो चिज अगर लेपट मरेमा तपाईँहरू 5 बजे बिहान पुग्थ्यो, 5 बजे बिहान पुग्थ्यो, तर अहिले तपाईँहरूलाई 6 बजे बिहान फोन गरेको थियो, र अहिले तपाईँ टाइम कति भयो तपाईँहरू अहिले पुग्नु हुँदैछ, यो तपाईँहरू के हो जति बेला यहाँ खोला पारीमा उयो बाघ मर्यो त्यति बेला तपाईँहरू बिहानै पुगेको थियो, अरू दुईजना एरेस्ट पनि गरेर लिएर गयो। त्यस्तो होइन
खबर गएपछि हामीले उनले पठाउँछ अनि पो हामी आउँछौं। कसले पठाउँछ? हामीले बडाबाबुको के दिमाग छैन क्या? होइन तपाईँ सिधै बात गर्नु, बडाबाबुलाई बोलाउनु, यो फोन गर्नु नबुझ्नु नम्बर, म फोन गर्दैछु बडाबाबु। यहाँ आज त यस्तो भयो, भोलिको डेटमा नानीहरूलाई पनि हमला गर्न सक्छ, सब नानीहरू स्टुडेन्टहरू यही बाटो जान्छ, स्टुडेन्ट मात्रै होइन हर व्यक्ति यो बाटोबाट जान्छ। भोलिको डेटमा अगर कुनै एक्सिडेन्ट भयो भने यिनीहरूले त कुनै एक्सनै लिँदैन। आज जस्तो 6 बजी बिहान फोन गरेको थियो यिनीहरूलाई, अहिले 11:30 बजी पुगेको छ यिनीहरू। अगर यही चिज लेपट अगर यहाँ डेट भएको भए यिनीहरू 5 बजी नै पुग्थ्यो, 5 बजी नै पुग्थ्यो, तर राति नै आउँथ्यो, नभए मतलब बिहान फोन गरेर बिहान जस्तो फोन गरेर त्यस्तो आउँथ्यो। तर यिनीहरू अहिले आउँदैछ किन? मान्छे मान्नु पर्छ सक्थ्यो। अरे नानी त कसैको पनि नानी नानी नै हो नि, मेरो नानी मेरो नानी हो, तपाईँको नानी तपाईँको नानी हो, जसको पनि नानी त नानी हो, मेरो बाउ मेरो बाउ, तपाईँको बाउ त मेरो बाउ हो, कसैलाई एट्याक गरेको भए के हुन्थ्यो? त्यति बेला यिनीहरूले के दिन्थ्यो? 4,20,000, 4,20,000 नानी पाउँछ? पाउँदैन नि, पाउँछ पाउँदैन नि, पाउँछ भने सोध्नुहोस्, पाउँदैन। अन्त न यो जुन बोडी छ यो उयो गर्दैन, जबसम्म बडाबाउ आउँदैन फैसला गर्दैन तबसम्म यो बोडी केही पनि हुँदैन। बडाबाउलाई बनाउनु भन्नुहोस् तिनीहरूलाई। मेरो चार वर्ष भइसक्यो मेरो गाई पनि मारेको। आप सभी के लिए खुश खबर, विविन ब्रांड के सिलाई मशीनें अब आपके शहर जयगांव में उपलब्ध है। जी हाँ, आपने सही सुना, जैक सिंगर उषा एवं पूजा ब्रांड की सिलाई मशीन, उनके पार्ट्स और टेलरिंग मटेरियल सभी एक ही स्टोर में उपलब्ध है। संपर्क करें RD एंटरप्राइज, सिटी प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, MG रोड, जयगांव, या कॉल करें इंडिया मोबाइल फोन नंबर 9195939354139182, 9182102327282, भूटान मोबाइल फोन नंबर 9751714109, 9757745453। आप सभी को सूचित किया जाता है कि वेद व्यास नेपाली हाई स्कूल चैरिटेबल ट्रस्ट जयगांव में आगामी सत्र 2023 के लिए जनवरी से कक्षा 5 से 9 तक की भर्ती खुल रहा है, और अति हर्ष की बात है कि हिंदी भाषी बच्चों के लिए आगामी सत्र से प्रथम भाषा हिंदी भी शुरू किया जा रहा है। इस स्कूल में सुलभ मूल्य में कक्षा 5 से 12 तक की पढ़ाई बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी संचालित की जाती है। संपर्क करें 9547964523।